कोरोना महामारी के चलते बंद के दौरान नीमच जिले में ब्लड बैंक में रक्त की कमी आ जाने के कारण लोगों को समय से खून की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहीं जो रक्तदान करना चाहते हैं वे लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंक नहीं जा पा रहे हैं। इस कमी के चलते नीमच के रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा शासकीय अस्पताल मनासा में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में कुल 160 यूनिट रक्तदान हुआ, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी रखा गया। मौके पर पहुंचे अनिरुद्ध माधव मारू ने सभी रक्तदाताओं का आभार माना। परिस्थिति में भी आगे आकर सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। एनटीवी टाइम्स संवाददाता रमेश राठौर की रिपोर्ट। ये बहुत अच्छी बात है। ब्लड की जहां कमी आ गई, ब्लड के डोनर कम हो गए और उनकी डिमांड पर मनासा रक्तदाता क्लब द्वारा ये ब्लड कैंप आएगी और ये मनासा की जागरूकता है कि एक छोटे से काल पे लगभग 150 लोगों ने खुद आगे रहकर अपना खून देने की इच्छा जाहिर करी। यहाँ किसी को बुलाने नहीं जाना पड़ रहा है और सबसे अच्छी बात इस रक्तदान में ये रही कि सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना को लेकर जो जागरूकता होना चाहिए वो उस कैंप में देखने को मिली। लगभग सभी के मास्क लगे हुए हैं, सभी लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और जितने रक्तदाता हैं उनको टाइम स्लॉट के हिसाब से बुलाए थे, सबको टाइम दिया अलग अलग ताकि यहाँ भीड़ नहीं बढ़े और यहाँ की व्यवस्था नहीं बढ़े। लगभग 90 लोगों का रक्तदान हो चुका है और टारगेट 150 का है, तो 150 से ज़्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। आज जो रक्तदान शिविर मनासा में रक्तदाता क्लब द्वारा लगाया गया है, रेडक्रॉस सोसाइटी में रक्त जो ब्लड बैंक है उसमें रक्त की कमी आ गई थी और लॉकडाउन के चलते यूं खुले में डोनर नहीं जा पा रहे थे, उस कारण एक कार्य योजना तैयार करी गई कि वहाँ की रक्तापूर्ति करी जाए जिससे कि किसी भी जरूरतमंद को दिक्कत नहीं आए। तो आज शिविर का आयोजन करा गया है, करीबन 100 यूनिट के आसपास हो चुका है और अभी समय शेष है, तो जितने भी यूनिट हो जाए अच्छी बात है।